अब क्या तो इंट्रोडक्शन दे, इंट्रोडक्शन तो नहीं दे सकते ना। अब हरलीन की क्या इंट्रोडक्शन दूँ, मतलब हरलीन दियोल है, मतलब नाम काफी है ना बस। यार सो गुड टू सी यू यार। WPL इज़ अ वेरी लैंडमार्क टूर्नामेंट, बिकॉज आई नो हम बात भी कर रहे थे WPL के अंदर कि जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे उतना अच्छा है। यू हैड अ लवली आउटिंग, आई थिंक सेकेंड या थर्ड गेम में ही हाफ सेंचुरी बनाई थी, जीते भी थे, गुजरात के लिए रन्स भी बनाए थे। एंड वो जो लर्निंग है, इज़ इट बिकॉज यू वर गिवन अ चांस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ? क्योंकि हर टीम में बढ़ गए प्लेयर, जितने 15-16 इंडियन टीम के लिए खेलते हैं हर टीम में बढ़ गए, तो आपकी टीम में भी 2-3 थे, लेकिन आप क्योंकि डोमेस्टिक से आए हो, इंटरनेशनल का एक स्टैम्प लगा है, इज इट बिकॉज दैट प्रेशर विच यू अब्सॉर्ब्ड ना, इसलिए अलाउड यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ? वॉज लाइक नहीं बस मुझे यहाँ स्टेज पे भी नहीं किया तो फिर लोग मेरे को कहेंगे अरे आप ये टीम में क्यों है। ये देखो, अगर आपने अच्छा कर दिया देन ऑब्वियसली पीपल विल बी लाइक यू अब्सॉर्ब द प्रेशर ऑन इट। इफ यू कुडंट डू वेल, यू पीपल विल बी लाइक कि ये अब वो मिला था, अब कुछ नहीं किया, ये है वो है। सो ऑब्वियसली चीज़ें विल बी बोथ वेज, बट देन वट आई वॉज थिंकिंग कि जैसे वर्ल्ड कप से वी एडजस्ट कम, तो अभी उससे पहले साउथ अफ्रीका वी प्लेड, तो साउथ अफ्रीका आई गॉट अ चांस बट आई कुडंट डू दैट वेल। आई वॉज बैटिंग वेल बट नहीं रन हुए, कैपिटलाइज नहीं हुए। तो देन वर्ल्ड कप वाज देयर, तो ऑब्वियसली पीपल हु वर स्कोरिंग रन्स दे विल ओनली प्ले नो, व्हाई आई कुड, मतलब मुझे जो चांस था वो नहीं, आई डिडंट ग्रैब इट। देन आई वाज लाइक कि अभी WPL के लिए आई हैव टू गो, देन आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ वहाँ पे खेलने को जहाँ पर भी मिलेगा आई हैव टू बी रेडी। सो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये इतना प्रेशर नहीं ले रही थी कि रन नहीं करने हैं, ये है वो है, क्योंकि प्रेशर सेल्फ एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि मुझे पता है कि मैं, मेरे को पता है कि जो ये जिसने रन किए हुए जा रहा है मैं इससे बेटर हूँ। हार्ट ऑफ हार्ट्स, आई मीन भाई कॉम्पिटिशन तो हम बचपन से सीख लेते हैं ना, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हम ये नहीं कहते कि ये रन ना करें, पर ये कहते हैं कि हमें पता है कि हम इससे बेटर हैं, राइट? ये वन बाउंस चौका मारती है, मैं छक्का भी मार सकती हूँ, लेकिन वो ये है कि फ्लुएंसी कब आती है। बट इन ऑल दिस फेज डू यू टॉक टू एनी वन, लाइक घर पे सपोर्ट, लाइक वेदर इट्स एट होम, डू यू हैव योर ओन कोच, योर ओन होम कोच? बिकॉज आप हो पंजाब से लेकिन आप खेलते हैं हिमाचल पे, मैं उस पर बाद में आऊँगी, पहले ये बताओ कि होम कोच है या नहीं। मैं, मेरे इसमें एसेज नहीं है कोई, मतलब मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो माई मदर एंड माई लाइक माई नानी माँ, शी टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो यू कैन रिलेट टू गॉड, तो उसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है चीज़ों से डील करने की, तो मतलब वो बहुत हेल्प करता है। वो बता देते हैं किस पास से जाना है। देखो जी, बिलीफ का तो यही मतलब है कि वो 10 देंगे, 10 देना मैनू टाइम, 10 देना। बट अगेन ये बताओ कि आप पंजाब से हो, ऑफकोर्स खेले हो, पले बड़े हो, रहते भी हो, लेकिन आप हिमाचल से खेलते हो, व्हाई दैट डिसीजन, व्हाई दैट चेंज? जब लाइक व्हेन आई वाज देयर छोटे होते, तो मतलब मैं यहीं पे थी, YPS स्कूल है यहाँ पे, तो वहाँ पढ़ती थी। देन पटियाला में नहीं है, YPS पटियाला भी है, मोहाली भी है। अच्छा, वापस मोहाली। हाँ जी, तो मतलब सबसे टॉप का स्कूल था, सब था ये वो। देन आई वॉज देयर, देन माई लाइक मैं एक बार वहाँ पे गई थी धर्मशाला हॉलीडेज के लिए, तो वहाँ पे जब मैंने सेटअप देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तब ऐसे थी कि यार 24 घंटे क्रिकेट ही क्रिकेट होगी यार, मतलब हॉलीडेज पे आप क्रिकेट ग्राउंड देखने चले गए थे? वो तब बन गया था? नहीं नहीं, वो वहाँ पे ना ZCA कैंप लगा था, कैंप लगा, तो जो सीनियर्स थे सुनैना दी वगैरह, सुनैना महल, हाँ हाँ, तो उनसे सुनैना महल यूज्ड टू प्ले फॉर एयर इंडिया एंड पंजाब ऑफ कोर्स। वो नहीं, कोई और जो सुनैना दी यार, एक थे पंजाब के ही थे, ओके, चंडीगढ़ के ही थे वो, सुनैना दी, आकृति दी, मतलब जो थी टॉल गर्ल, हाँ लाइक सी टॉल, हाँ ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे थे, तो उनसे मिलने गई थी। अच्छा, मिलने गए थे, मैं क्या हॉलीडे पे भी क्रिकेट ग्राउंड देखने पहुँच गया ना, तो बस उसके बाद मुझे बहुत क्रेज हो गया। देन माय फादर गॉट ट्रांसफर कांगड़ा में, ओके ओके, तो देन आई वाज लाइक कि सबसे अच्छा वो है, देन आई वेंट, ऑलमाइटी ने दस्त है कितने जाना है, बिकॉज एंड देन यू कंटिन्यूड, मतलब होता है ना जैसे जब चंडीगढ़ बना तो लॉट ऑफ प्लेयर्स शिफ्टेड बैक फ्रॉम पंजाब टू चंडीगढ़, देन और दे शिफ्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ टू पंजाब, बट यू डिडंट कम बैक टू पंजाब, यू कंटिन्यूड प्लेइंग फॉर हिमाचल, एंड यू आर हैप्पी विद इट कि वहीं पे खेलूंगी, बिकॉज यू सेट योर नेम।
चलो ये हमारा फेवरेट सेगमेंट है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? मेरे को पायलट बनना था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ पायलट. रोक लिया किसी ने? अभी उसमें पढ़ाई बहुत लगती है ना, वो स्पेशली मैथ्स और ये सब, वो थोड़ा मुश्किल है. तो प्रोफेशन ही चेंज कर लेते मैथ्स को छोड़ के, कुछ और बन जाते? नहीं नहीं, और मतलब मेरे को शुरू से यही बनना था पायलट. तो फिर मैथ्स सीख लेते. यही तो सीखी नहीं गई. यही नहीं बनी गई, बस यही अटक गया. Okay, which is your favorite cricket ground to play at? I wanted to play at Lords. Okay. So that will be my favorite one. खेले नहीं हो? खेले अभी हम लोग गए थे first time. खेले थे? हाँ हाँ. आप playing level में भी थे? हाँ हाँ हाँ. Catch कहाँ पे पकड़ा था? Lords में ही था. वो ही? जो बाहर अंदर? नहीं वो Lords थोड़ी था. एक और catch पकड़ा था जो जिस मैच चेंज हुआ था, एमी जोन्स का ना. हाँ 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 हाँ. वो diving catch था वो वाला. मतलब या तो बाहर dive हो रही है या अंदर dive हो रही है, हम सीधे simple काम तो छड़ना ही नहीं. सिंपल छूट जाते हैं ना. वैसे वो कैच के बाद अभी भी मुझे कोई लोग वीडियोस भेजते हैं कि देखो विमेन पावर, देखो कहाँ तक जा रही है, और वो पता चलता हरलीन का कैच है. Did you actually realize after that catch what happened? अरे बहुत, लाइक अभी बहुत बार जैसे हम लोग एक कॉमेडी शो पे गए थे, तो मैं वहाँ बैठी थी साइड में, बिल्कुल कोने में ना, तो वहाँ पे उसने जो हर्ष गुजराल का शो था, तो उसने खड़ा किया साथ में, तो साथ में एक लड़की थी, तो उसको ये था कि मेरे पे बात ना आ जाए. वो बोली ये हरलीन देओल है. उसने बोला खड़ा हो, तो बोले अरे ये तो वही है कैच वाली. तो बहुत बहुत लोगों ने वो करा था. देन चलो कैच वाली तो बन गई, कोई तो वाला बन गया, वाला एंड वाली. ओके चलो हम ये पूछते हैं कि आप अगर इफ यू कुड प्ले विद एनी क्रिकेट सेलिब्रिटी, हु वुड दैट बी एंड व्हाई? मुझे वो ब्रेटली बहुत पसंद है. यहाँ पे बॉलिंग करने आ जाए वो? नहीं नहीं, इंडिया बहुत आता है. ब्रेटली और मुझे बहुत शौक था MS धोनी, उनके से बहुत ज़्यादा. मुझे बस ये था कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ी रहूँ, उधर से बैटिंग करके छक्के मारते रहे, मैं बस देखती रहूँ. ये तो फिर भी पॉसिबल है. ब्रेटली बॉलिंग कर सकते हैं. सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में आपको जाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम है. पर वो अभी भी बहुत फिट है और बहुत अच्छी बॉलिंग करता है. एग्जैक्टली. So, what's the funniest nickname? Yeah, what is your nickname? First, what is your nickname? My nickname is Harry only. Okay. So, जब हम उसमें ड्रेसिंग रूम में बोलते हैं हैरी, तो दो बंदे मुड़ के देखते हैं? बहुत बार ऐसे होता है, बट वो मोस्टली उनको ही बुला रहे होते हैं, मैं नहीं होती. मैं 14th and 15th हूँ. तो वो या ट्रेसी मैम थी, उन्होंने मेरा नाम बेबी हैरी रखा था, लाइक बिग हैरी बेबी हैरी. तो ये बहुत था. पूरा बोल लेते हैं? अच्छा चलो ठीक. तो और जब स्टार्टिंग में फनी था कि जब मैं इनिशियली आई थी, तो जुलू दी मुझे बोलते थे कि इसका नाम ना मैंने हैप्पी सिंह रख देना, ये हैप्पी हैप्पी रहती है. तो एक वो निकनेम होता था. पाइनएप्पल ऑन द पिज्जा, यस और नो? या पिज्जा हैरी दी की वजह से आदत डली है. वो उनको बड़ा पसंद है. इंग्लैंड जाती ना वो ज्यादा, उसने इंग्लैंड में आदत डाली होगी. पहले नहीं मैं खाती होती थी, फिर वो पोवाल है. चलो ठीक है, खा लिया, हो गया, अब अच्छा भी लगने लग गया. हाँ वो ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के शौक है, वो ज्यादा जाती ना वहाँ पे, ज्यादा दिन रहती है. वन थिंग ऑन योर बकेट लिस्ट आउटसाइड क्रिकेट? आई वांट टू लाइक ट्रैवल द होल वर्ल्ड. ओके वो कंपस से शुरू कर दिया, मतलब कंपस इंडिया में बिठा के गोला ही शुरू कर दिए? हाँ हाँ थोड़ी बहुत. गुड गुड गुड, अच्छी बात है, यू मस्ट डू दैट. बिल्कुल. व्हाट्स योर मोस्ट अनयूजुअल आइटम इन योर किट बैग? मतलब ऐसा जो अनयूजुअल हो, जो लोग देखे अरे ये हरमन, ये हरलीन का है. ये हरलीन का है. मेरे इसमें तो सबसे कम सामान होता है. मेरी आदत है दूसरों से लेने की. जैसे ग्रिपर, लाइक आई एम अ बैटर, मेरे पास ग्रिपर नहीं होता, वो जेमी से होता है, क्योंकि उसी को बोलती हूँ ग्रिप चढ़ाने को. हाँ. जो बॉल रिलीज करने वाली हाँ. चीज़ें होती हैं वो हैरी दी से लेती हूँ. बैंड है वो हैरी दी से लेती हूँ. तो बाकी जो मेरा सामान है बस वो पूरा हो जाए बहुत है. बैट कितने होते हैं? नहीं बैट तो होते हैं, वो कोई नहीं लेके जाता ना आपके बैट, तो कोई नहीं लेके जाता कि तू हमारा ग्रिपर यूज कर रही है, हम थोड़ी देर के लिए तेरा बैट ले लेते हैं. नहीं जैसे कभी कभार जैसे एक्सचेंज कर लेते हैं अगर लगता है तो. जैसे हैरी दी के साथ तो बहुत बार ऐसे हैरी के तो सारे बैट ले लिया करो. ओ लेके देखो आप. सो व्हाट्स अ प्री मैच पंप अप सॉन्ग, और हाउ डू यू गेट एक्साइटेड बिफोर यू गेट इनटू प्ले इफ यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक? मैं आई ऑलवेज लिसन टू म्यूजिक. और एक्साइटेड वाला तो किस्सा है ही नहीं, खुद ही रहता है बंदा एक्साइटेड. एज सच वो बैटरी चार्ज ही रहती है. हाँ वही 24/7 रहती है. और मेरी क्या आदत है बाकियों की भी चार्ज करनी है. तो पावर बैंक.
पावर बैंक बोल सकते हो आप. कभी कभी वैसे यूर अ फूडी, कंप्लीट फूडी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो हमें रोकना पड़ता है. ए नहीं खाना जाओ. घर जाके सब कुछ चेंज हो जाता होगा आई एम श्योर. तो कभी कभी चीटिंग, अगर अगर हम बोले क्योंकि ये तो हम वैसे कहेंगे वे आर वेरी सीरियस पीपल, हम बिल्कुल डाइट का ध्यान रखते हैं, तो चीट फूड अगर कभी ध्यान डाइट का रखते हुए खाना हो तो मेरी लाइक अभी तो मेरी मॉम को उनको कुकिंग का बहुत शौक है बहुत. तो अब उनको भी ऐसा होता है कि उनको बहुत शौक होता है जब मैं वापस आऊँ कुछ नया नया बनाने का, तो वो अब बनाती है हेल्दी चीज़ें बट उनकी हेल्दी चीज़ें भी बड़ी स्वाद होती हैं, पता नहीं क्या होता है वो माँ का प्यार होता है ना भाई. बट मेरे को बहुत शौक है, जैसे घर पे आके ना मम्मी मतलब पनीर का पराठा वगैरह बनाते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है. या जैसे बटर चिकन वगैरह हो गया तो बहुत ही. हाउ कैन द बटर चिकन नॉट कम इन? मतलब ये तो स्टेबल डाइट है ना. वो मुझे बहुत पसंद है ये सब. ऑल टाइम फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी, हाय हाय यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो. नहीं तो कोई पिक्चर तो देखी होगी. मैं इतनी मूवी देखती हूँ मेरे को क्या बोलूं. कोई तो एक मूवी होगी जो एक से दो तीन बार देखी होगी. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है? हाँ ये सॉरी, तो ये तो बहुत देखी हुई वाली मूवीज है. मुझे क्या बोलते हैं ये पुरानी मूवीज भी बड़ी अच्छी लगती थी. ये वाली हम साथ साथ हैं, विवाह, ये वो सब पुरानी कैसे हो गई? ये तो मतलब न्यू ही है. मतलब पुराना बोल के तो हमें तो बैकडेटेड बना दिया. मतलब ये नहीं हमारे हम हमारे लिए भी पुरानी पिक्चर है. मैं को पंजाबी मूवीज भी बहुत देखती हूँ. ये कैरी ऑन डट्टा, ये तो सारी बहुत ही. बट गोइंग बैक टू WPL, जी बेन, ऑफकोर्स आप लोगों को पंजाबी हिंदी सब सिखाते हो, यू आर अ वेरी जोवियल पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड, वी नो दैट. बट कितना डिफरेंस आया है बिफोर WPL एंड आफ्टर WPL इन योर ओन गेम एंड सिंस नाउ? ऑफकोर्स यू इंटरेक्ट विथ योर इंडिया प्लेयर्स, अदर इंडिया प्लेयर्स एज वेल. जैसे हम लोग WPL खेले थे तो एक होता है कि when you done well, you get that confidence कि हाँ अगर मैं वहाँ अच्छा कर सकती हूँ तो why can't I do it for my country? So that thing obviously changed. वो चीज़ पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, कि क्योंकि like England में भी we played, I scored runs. That also gave me another confidence. But then आप जब आप एक टीम को लीड करते जा रहे हो, बिकॉज WPL में आई लेड गुजरात जायंट्स, दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि हाँ मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे अपनी टीम को लेके जाना है या कुछ है. दैट थिंग वॉज ऑलवेज देयर. सो दैट थिंग हेल्प मी अभी कि जैसे लाइक हम लोग की टीम 3-4 थी, फ्रॉम देयर यू नो टू टेक द गेम डीप. सो दैट गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दैट. जितने लाइक मैचेज आप खेलोगे, जितने मैचेज आप डिफिकल्ट सिचुएशन से लेके जाओगे, ऐसा नहीं है कि वो आपने स्टेट के लिए नहीं किया. स्टेट के लिए भी आपने अपने स्टेट के लिए भी ऐसे सिंगल हैंडेडली मैच था, तो जो वो इनिंग्स रहती हैं ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ में आपके मेमोरी में वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल के रखती हैं. जब ऐसे WPL में भी देखते हो कि सामने आपके आयुष गार्डनर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ी है और वो अकेले मैच जिता देती है इंडिया के अगेंस्ट, या लॉरा वुल्फर्ट ने इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन जमाया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो कभी ऐसी फीलिंग आती है कि मैं नहीं से बात कर रही क्या मैं नहीं से बात कर रही ये इसने मेरी टीम के क्या स्टन बनाया है. मेरे को नहीं बात करनी है, ऐसा कभी फीलिंग आती है? कभी तो आती होगी. ये थोड़ी है कि जस्ट बिकॉज शी इज प्लेइंग फॉर योर ओन WPL यू आर माय बेस्ट बडी इन दिस टीम फॉर द नेक्स्ट 3 weeks. अभी जैसे अभी तो हम खेले ही नहीं इसके बाद, लाइक वी हैव नॉट प्लेड ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आफ्टर द WPL. तो क्या जब मिलोगे तो क्या पहले गले मिलोगे जाके हेलो बोलोगे कि आज सुन तो हमारे गेस्ट रन कम बनाई हो? मैं हम लोगों ने डील करी हुई है लाइक एक्लिस्टन और एश गार्डनर की, प्लीज मेरे को आउट मत करना. नहीं एक्लिस्टन कैसे मान गई? पता नहीं अभी माननी क्या, वो तो बोलने को होता है. बट ऐसे वेरी रिप्लाई में कुछ इंग्लिश में ऐसा बोला होगा, वो तो वैसे भी सिर के ऊपर से निकल जाती है, इतनी तेज इंग्लिश बोलती है. इकलौती लड़की हूँ जिसको उसकी इंग्लिश समझ आती है, पता नहीं कैसे. पता नहीं जब हम लोग फर्स्ट एडिशन में खेलते थे वो एग्जीबिशन मैच, तो हम लोग ऐसे सर्कल में बैठे होते थे मीटिंग के लिए, स्मृति और मैं होते थे, तो बहुत बार ऐसे हुआ वो कुछ बोली और सब मेरे को देख रहे हैं क्या बोली है क्या बोली, मैं कहा ये बोली, पता नहीं कैसे क्या है उसका यॉर्कशायरिश एक्सेंट है. तो एक बार मैं उसको इंटरव्यू करने पहुंची तो मैंने भी यूं ही कर दिया, अच्छा वो मैं फ्रेम में नहीं थी. अगली बार भाई ना अभी जब वर्ल्ड कप के टाइम मैंने कहा सुन धीरे बोलियो
कि माय एक्सेंट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मेकअप प्लीज यस इसीलिए मेरी उससे बनती है क्योंकि उस मेरे को उसकी लैंग्वेज समझ आती है वो इतना फास्ट बोल जाती है और वो बिल्कुल टिपिकल मैंने चार्ली डीन को बोला मेकअप थोड़ा धीरे बोलना मैं तुम्हारे देश की नहीं हूँ बोल लेती हूँ पर तुम्हारे देश की नहीं हूँ थोड़ा धीरे बोलना तो वो उनसे अंडरस्टैंडिंग बनी एक्चुअली बहुत वो क्या थी पंजाबी डांस तो सबसे कराया मैंने जितने भी थे सारे जितने भी थे हाँ वो तो मेरे को यार डांस तो मैं ग्लैनिंग भी सीखी गई है यहाँ से मैंने शेफाली से पूछा था तूने ड्राइव मारनी सीख ली है तो उसने मुझे इंग्लिश में जवाब दे दिया नहीं आई लर्न अ लॉट इट्स वेरी नाइस क्योंकि जब उसके 50 हुए थे वो गई थी पंच मारने मैं कहा पंच मत मारो उसे ड्राइव मारना सीख ले जब आप किसी भी मूड में होते हैप्पी एक्साइटेड और प्रॉब्ली नॉट सो गुड डू यू टर्न टू एनीवन इन द इंडियन टीम डेफिनेटली या बट मैं अगर मतलब थोड़ी सैड हूँ या कुछ है सब लोग परेशान हो जाएंगे बीमार तो नहीं होगी क्या हो गया